अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम आपका फेस ऑफ जिन्नात में। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद आज दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ नई लोकेशन लेके। ये आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल नई लोकेशन पे आया हूँ और ये आप देख सकते हैं कि इस जगह पे काफ़ी जो गहरा खड्डा बनाया गया क्रेनों की मदद से, तो इसके अंदर हम चलते हैं अभी। आप सोच रहे होंगे कि आप ये ऐसी लोकेशन आप हम लोगों को क्यों दिखा रहा है, तो दोस्तों इस जगह पे जब क्रेनें लगी हुई थी, तो जब इन्होंने जो मिट्टी की खुदाई शुरू की तो इनको इसके अंदर से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आईं, किसी बच्चों की औरतों की। इस खड्डे के अंदर से और उन्होंने अपना जो काम रोक दिया, कुछ देर तक वो रुके रहे, तो फिर दोबारा जब उन्होंने अपना काम शुरू किया तो इसके अंदर फिर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई, काफ़ी ज़्यादा चीखने पुकारने की। तो जो मज़दूर अपनी मशीनों से इधर काम कर रहे थे वो अपनी मशीनें छोड़कर भाग गए इस जगह से, और कुछ दिन बाद दोबारा वापस आए तो किसी बुज़ुर्ग की मदद से इस जगह पे जो अपनी मशीनें लेके गए, उसने कुछ इलम अपना जो इधर किया तो उसके बाद जो लेके गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर कितने बड़े बड़े सुराख बने हुए हैं, खड्डे बने हुए हैं ज़मीन के अंदर, सुरंगें सी बनी हुई हैं। तो इनका कहना है कि इनके अंदर से ही आवाज़ें आती थी उनको। इसकी करीबन 30 फुट से भी ज़्यादा गहराई है, क्योंकि इस जगह पे इन लोगों ने कुछ बनाना था, मछली का फार्म वगैरह बनाना था, तो इसलिए इस जगह को जो खुदाई के कर रहे थे उसके बाद इसका लेवल करके नीचे से फिर कुछ मछली फार्म वगैरह लगाना था। लेकिन जब उस बुज़ुर्ग ने इस जगह पे आके इस जगह की कंडीशन देखी तो पता चला कि ये जगह के नीचे जो कब्रिस्तान था पहले किसी दौर के अंदर, तो इन लोगों को कुछ हड्डियां वगैरह भी मिली थी जब इन लोगों ने खुदाई की थी। लेकिन ये जगह ऊपर से ऐसे थी, बिल्कुल सफ़ेद थी कि पता नहीं चलता था कि इस जगह के नीचे पहले कब्रिस्तान था या नहीं था। तो आज हम इस जगह का विज़िट करेंगे, और अक्सर लोग बताते हैं कि जब शाम का वक़्त होता है तो इस जगह से चीखने पुकारने की आवाज़ें आती हैं, तो इसलिए हम इसके ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आ चुके हैं हम। ये देखें आप कितनी ज़्यादा ऊंचाई है ऊपर की तरफ, और ये इसके आसपास फसलें हैं बिल्कुल। और ये भी बताया जा रहा है कि इस जगह पे एक काफ़ी बड़ा अजदा इनको नज़र आया है, और उसकी लंबाई 40 से 50 फीट लंबी थी। रात के वक़्त जब इन्होंने लाइट लगा कर उसे देखा तो इतनी उसकी जो ब्लैक कलर के रंग के ऊपर चमक थी कि वो इतना ज़्यादा चमकना शुरू हो गया कि लोग डर गए। तो जब ये अपने वैसे कि डंडे वगैरह लेकर आए, कहीं वगैरह लेके आए, तो दोबारा इस जगह पे उन लोगों ने देखा कि कुछ भी नहीं था। ये आप देख सकते हैं, ये सुरंगों का पता नहीं चलता ये किधर से आई हैं, किधर को जा रही हैं, इनके नीचे क्या है। ये आप देखें कि ज़मीन के अंदर दराड़े पड़ी हुई हैं। और हमें ये भी डर है कि ये जो लोगों ने बड़ा सारा अज़ा देखा, जो सांप देखा, ये ना हो के अचानक से हमारे सामने आ जाए। वैसे तो इसके अंदर कोई भी नहीं जाता, लेकिन हम गए हैं इसके अंदर। अस्तग़फ़िरुल्लाह, किसी के चीखने की आवाज़ आई इसलिए अचानक से हम भागे आगे की तरफ। इस दरख्त के आसपास ही से आवाज़ आई किसी की,
और ये लोग बता रहे हैं कि इस जगह पे पहले भी खुदाई की गई है, ये आप देख सकते हैं क्रेन की मदद से खुदाई की गई है इस जगह पे। तो कहते हैं कि उनको कुछ अजीब सी उनको भी आवाज़ें सुनाई दी थी, तो इसलिए जो इधर से मिट्टी उठाना उन लोगों ने बंद कर दी थी, उनको हड्डियां वगैरह मिली थी जैसे किसी इंसानों की हों। तो कुछ साल ये जगह ऐसे पड़ी रही, तो उसके बाद जो नए जो इस जगह का मालिक जिसने ख़रीदा इस जगह को, जिसने इस जगह पे मछली फार्म लगाना था, तो उसने कहा कि इसका जो मसल लेवल कर कर खुदाई जो थोड़ी बाकी बकाया उसको कर कर फिर इधर कुछ अपना काम का सिलसिला शुरू करते हैं। तो उसके मतलब कि इतनी ज़्यादा उस वक्त इस जगह से कुछ अजीब अजीब सा आवाज़ आ रही ऊपर की तरफ से। काफ़ी बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं, लेकिन दोस्तों इसके ऊपर से अजीब सी आवाज़ आ रही है। शाम हो चुकी है, कुछ ही देर में रात भी हो जाएगी। ये पत्थर फेंका मेरी तरफ किसी ने, ये ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं सांप का बच्चा ऊपर जा रहा है, ऊपर थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं हम। काफ़ी अजीब सी जगह है, तो इस जगह पे इतना, ये आप देख सकते हैं ये पत्थर फिर मेरी तरफ किसी ने फेंका है। इस जगह पे ज़रूर कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको हमारी मौजूदगी पसंद नहीं है। ये आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा जो सुरंगें सी बनी हुई हैं, इनके अंदर कोई ख़तरनाक जानवर भी हो सकते हैं जैसे सांप बिच्छू, कोई चीज़ भी हो सकती है जानलेवा। और ये आप लोगों को बताता चलूँ, 400 फीट लंबी है और 150 फीट ये चौड़ी खुदाई की गई है। ये आप देखें फिर इधर से ईंटें वगैरह आ रही हैं इन सुरंगों के अंदर से। अस्तगफिरुल्लाह, ये आप देख सकते हैं, अल्लाह हू अकबर। ये आप देखें, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर। लगता है कि इन लोगों को पता चल गया कि हम इसके अंदर फिर रहे हैं। ये ना हो हमें कोई है इस जगह पे नुकसान पहुंचाया जाए या कुछ। सुनने में ये भी आया है कि इस जगह पे लोग कुछ उल्टे काम करते हैं जैसे जादू टूना, तवी धागा, इस जगह पे रात के वक्त चिल्ला काटना, आग लगा। अस्तगफिरुल्लाह, ये आप देख सकते हैं, अल्लाह हू अकबर, ये अंदर से कितना बड़ा सुरंग सा बना हुआ है। अल्लाह हू अकबर, ज़्यादा देर हम इस जगह पर रुकेंगे नहीं, हमें आगे बढ़ना चाहिए इस जगह से। ये आप देखें, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह माफ़ कर। ये फिर पत्थर आ रहे, फिर पत्थर आ रहे,
ये बारिश का पानी वगैरह भी रुका हुआ है इसके अंदर। यार ज़रा से पीछे हट जाए, पीछे हट जाए इस दीवारों से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पत्थर आ रहे हैं, ये ना हो कि किसी के सर में लग जाए। ये आप देख सकते हैं कि ये इसका जो जिस जगह पे हम गए थे हमारे ऊपर पत्थर वगैरह फेंके गए हैं, तो हम उस जगह से पीछे की तरफ हट गए हैं। ये किसी के चीखने की आवाज़ें आ रही हैं मेरा ख्याल इस तरफ से। दोस्तों ये आप देख सकते हैं इस जगह पे जादू टोना किया गया था। एक दफ़ा फिर हम दोबारा तसल्ली से देख लेते हैं कि इस जगह पे ऐसा क्या है जो हमारी तरफ पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं दोबारा हम उस जगह पे फिर आ गए। एक अजीब सी एक्टिविटी इस जगह पे, गर्मी इतनी सर्दी है लेकिन गर्मी सी महसूस हो रही इस जगह पे। तो मेरा ख्याल है कि अभी हम इधर से वापस चले जाएं क्योंकि रात होने वाली है, तो क्योंकि ये जगह काफ़ी ख़तरनाक है। ये जगह अस्तगफिरुल्लाह, तो मज़ीद हम लोग इधर से वापस जा रहे हैं दोस्तों। इसके अंदर जा तो सकते हैं लेकिन ये ना हो कि आगे कोई चीज़ बैठी हो ऐसी जो हमारे ऊपर हमला कर दे। अभी आप दोस्तों से मैं इजाज़त लूँगा, अभी हम वापस जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह रात के वक्त आने की भी कोशिश करेंगे। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।